मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बड़े बेटे आर्यन खान और उनकी मुमकिना गर्लफ्रेंड लरेसा बोनेसी की मुंबई में मुनकदा इवेंट में शिरकत अफेयर के खबरों को हवा दे गई। आर्यन खान का शुमार उन स्टार किड्स में होता है जो बगैर फिल्मी डेब्यू शोहरत हासिल कर गए। तहम आर्यन खान को हासिल होने वाली शोहरत किंग खान की साख को खराब कर गई। दरअसल आर्यन खान मंशा से मुतल्लिक केस में फंस गए थे, जिसके सबब उन्हें कम उम्री में ही जिंदगी के कुछ दिन जेल के दरों व दीवार तकते हुए गुजारने पड़े, जिसके बाद रवां साल अप्रैल में सोशल मीडिया पर आर्यन खान का नाम ब्राजीलियन मॉडल लारेसी बोनेसी के साथ जोड़ा गया। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म रेड इट पर ये इंकशाफ किया गया कि आर्यन खान और लारेसा बोनेसी एक दूसरे की डेट कर रहे हैं। बाद अज़ान दोनों चंद इवेंट्स में शिरकत करते भी दिखे। शेष सुर्खियों में जगह हासिल करने वाली ये जोड़ी अब 7 जुलाई को दोनों को मुंबई में मुनकदा सितारों से सजी एक तकरीब में शिरकत करते देखा गया। इस इवेंट में पहले आर्यन खान स्याह टी शर्ट और आर्मी जीन्स और डीनम जैकेट पहनकर एंटर हुए, जिसके बाद लरेसा बोनेसी भी इस इवेंट को अपनी शिरकत से रौनक बख्शते नजर आई। लरेसा बोनेसी ने भी स्याह टू पीस सेट के साथ डीनम जैकेट पहनी और इसके साथ स्याह बूट्स पहने। आर्यन खान और लरेसा बोनेसी को मुख्तलिफ औकात में एक ही इवेंट में शिरकत करते देखकर पापा राजी ने तस्वीर भी ली और सोशल मीडिया पर दोनों के अफेयर के खबरों को भी मजीद हवा दे दी। वाजह रहे कि कम उम्री में जेल की हवा खाने वाले आर्यन 2023 में हिदायतकारी की जिम्मेदारियां निभाते नजर आए और अपने ब्रांड का टेलर भी खुद ही डायरेक्ट किया।